तो कितना लंबा लिस्ट है दोस्तों, और इधर भी है पूरा 47,000 का राशन आ चुका। देखिए इतना सारा राशन हम लोग लाए अपने घर, खाते हैं दूसरा का खाते हैं। देखिए इतना सारा सामान दूसरा का खाते तो क्यों लेके आते, दूसरे का ही खाते ना। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों, मेरे कहते अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी बज गए हैं 4 और अभी जाकर नंदिनी अपना चूल्हा का रिपेयरिंग कर रही है। मतलब चूल्हा तो पूरा बना नहीं था, आधा बना था, तो उसको बढ़िया से नंदिनी कर रही है। देख सकते इधर लगी हुई है नंदिनी। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो धीरे सुबह से काम करते हैं, खाना बनाए, काम किए, फ्रेश हुए, उसके बाद बोले चलो इसको थोड़ा कर देते। सूख गया है ना थोड़ा, इसको मोटा भी की नंदिनी इधर। तो पूरा देखे निकल जा रहा है। ज्यादा मोटा काहे कर रहा है, मेरे को आता नहीं है। तो ज्यादा मोटा मत करो, छोट मोट कर, तुम नीचे मोटा करते जा रही है। नहीं कर ज्यादा, नहीं ऊपर रड दी है तो काहे को मोटा करना। रड दिखाए, रड है इसमें दोस्तों, रड तो दिए। अब चूल्हा को बढ़िया से फिर से क्या देखेगा, क्या देखेगा, मातू देखेगा, मोटू पतलू देखेगा। मातू कौन चीज होता है रे, क्या क्या कार्टून में देख लेता है दोस्तों। बोल देगा ना मोबाइल में भूत है, मोबाइल छूने डर से छुएगा नहीं। और नहीं बोलेगा ना मोबाइल में कुछ नहीं बेटा देख लो, बोले पापा पापा थोड़ा सा दिखाओ ना मोबाइल, हमको देखना ऐसे बोलेगा। तो आप भी क्या करेंगे दोस्तों, बच्चा है ना, दे देते हैं थोड़ा देखता है, जहाँ जीत का तो बोलते भूत आ गया। मोबाइल लेगा बेटा, मोबाइल देगा नहीं ना लेगा, मोबाइल भूत है इसमें, लेगा मोबाइल लेगा, ले 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 ले। डरने लगता है दोस्तों, इसको डरा के रखे। आप देखेंगे हमारा शॉर्ट वीडियो, उसमें डालते हैं इसको डराने के लिए कि मोबाइल वोबाइल ना छुए ज्यादा, ज्यादा नहीं छूता डर से ये। चलिए इधर तो अपना नंदिनी लगी हुई है, जल्दी जल्दी करो क्योंकि हम लोगों को जाना है दोस्तों। राशन तो एकदम नहीं है, आटा चावल सब खत्म हो चुका है, क्योंकि हम लोग लाए ही नहीं थे उधर से, आए तो कहाँ कुछ लाए। हम सोचे जो है पहले इसको खत्म करेंगे, पूरा खत्म हो गया तो सोच रहे लाना तो जरूरी है, क्योंकि रहना है तो भाई लाना ही होगा। क्या जाएगी ना लाने, तो नहीं लाएंगे तो फिर खाएंगे क्या, कुछ भी नहीं। जाके देखिए ना आटा एकदम नहीं है दोस्तों, जाएंगे आज तो। चलिए पहले इधर करती है नंदिनी, तो चूल्हा बन के पूरी तरह से रेडी हो चुका है। नंदिनी एकदम रेडी कर दिया है चूल्हा को, देख सकते हैं काफी सुंदर चूल्हा बन के रेडी है, बन गया दोस्तों। हम सोचे उनको ही बुला के गए थे, वो सोए थे तो हम डिस्टर्ब नहीं किए, हम बोले चलो देखते हैं अपने। अरे तो मेन तो बन गया, फिर तो थोड़ा चिकनाना है बस, चिकन भी हो गया, धीरे धीरे निपते निपते फिर बढ़िया से हो जाएगा। अरे क्या अब ये दिवाली घर को हटाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ से, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। वो देख उधर बाबू भी उठ गया, हो गया इधर, हो गया दोस्तों बाबू उठ गया। बाबू को दूध पिलाओ, बहुत देर से सो रही थी, उठी है तो अपना दूध ही पिएगी, क्योंकि उसको भी भूख लग गया होगा। तो अभी नंदिनी बाबू को तेल लगा रही है दोस्तों, क्योंकि वो उधर जाएंगे तो फिर समय नहीं मिलेगा ना, इसलिए पहले लगा दे रहना बाबू। करो ये कुल मत परेशान करो मम्मी को, खोकिस का ठीक ही नहीं हो रहा था। इसमें देखिए जमाइन, हींग, लहसुन सब, हींग भी डाल दिए हैं, सब बहुत कुछ डाल दिया तुम तो। सब देख के खोला ऐसे छछनी से छा। अरे बेटी दिन में 3-4 बार ही मुस्कुराती है, देख लीजिए इस बार मुस्कुरा दो बेटा, मुस्कुरा दे बेटा, मुस्कुरा दो, तुम जल्दी मुस्कुराती नहीं है, चिमे को गुस्सा आता तेरे पर, मुस्कुरा के दिखा दे, ये देखे मुस्कुराती है, मुस्कुरा दे बेटी हमारे सोना बेटी, मुस्कुराते मुस्कुराते। अरे ठीक है छोड़ दो, बाबू मुस्कुरा दिया, दिन मेरा करीब गिनती से मुस्कुराती है दोस्तों, दिन भर रोएगी, 2-3 टाइम ही सही से हंसती हो, तो फिर रोते रहती है। अभी कितना अच्छा हंस रही है बेटी, लिस्ट बनाई है राशन का। अरे तो हम बनाएंगे, हम जानते क्या घटा क्या बड़ा, हम बता रहे आप लिखिए आटा, ठीक है लिख लेंगे, तुम बताते रहो। नंदिनी रेडी हो चुकी है दोस्तों, बाबू को भी रेडी कर रही है, देख सकते हैं। रो मत बेटा, रोडी हो गया ना, वो करते रहती है। ये सूट का कपड़ा ले जा रही है नंदिनी, जो सूट खरीदी थी उसको ना बोरी सिला लेगी ना। आधार कार्ड रहेगा तब तो पैसा, कहाँ रखिए पता नहीं आधार कार्ड। तो चलिए दोस्तों अब ताला वाला लगा रहे हैं, और मौसम देख रहे किस तरह से क्या लग रहा है, पानी नहीं गिरेगा। कुछ कुछ कपड़ा ना उठा के रख दिए, पूरा तरह से सूखा देना है तो रहने दिए, बोले रहने दीजिए, अच्छे से बोले आ तो जाएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी आने का, क्यों जाते हैं ना तो लेट उठ हो ही जाता है। और मम्मी को भी बोलेंगे फ़ोन करके कि आलू उलू मतलब चून चांद के रख देगी ना जी, तो काम पे ही होगी मम्मी, काम पे ही होगी, कोई नहीं होगा घर पे। तो चलिए यहाँ से निकलते सीधा मार्केट। और आए हैं प्रज्ञा केंद्र से पैसा निकालने के लिए, कि पैसा नहीं ना है तो आधार कार्ड से निकालेंगे, यही है प्रज्ञा केंद्र। नंदिनी अंदर पैसा निकाल रही है दोस्तों,
निकल गया है, 2000 निकाल लिया है, मतलब इतना में काम हो जाएगा, राशन उशन आ जाएगा। आधार कार्ड भी बनवाना है तो यहाँ पे उनका आधार कार्ड घर बनेगा, जाना पड़ेगा। चलिए तो चलते अभी यहाँ से निकलते। तो दोस्तों अभी यही पास देगी फुआ का घर जा रही है नंदिनी देने के लिए, तो पैंट सिलवाएंगे ना इसका, जो मन करो वो सिला ना। अब बाहिनी इतना दूर तक रखती है, ठीक है जाओ बताओ। जैसे डिजाइन देंगे उसमें डिजाइन है, बाहिनी में थोड़ा गोल गोल डिजाइन दे देना, गोल गोल ऐसे ऐसे रहता ना जो इस टाइप ऐसे करके। हाँ यहाँ पर दो गो जैसे ब्लाउज में नहीं किया था उसे, कुआ को देंगे सीने के लिए तो कुआ भी सीगी। अगर डांट रही है मतलब थोड़ा ऐसी मजाक कर रही है तो क्या हुआ, सिर्फ सिलाई ना करेगी, तुम दर्जी हो तो मिलेगा, तुम्हारा बर्थडे कर रहे हो तो हम देंगे गिफ्ट। रौनक का भी तो बर्थडे आ रहा है ना, करेगा दोस्तों 30 मार्च को ना बर्थडे है, वो भी मतलब कुआ का लड़का का मतलब मेरे भाई का, तो मनाएगा कि नहीं मनाएगा पता नहीं, मनाते तो कितना अच्छा रहता, आते कम से कम केक खाने के लिए ये सिलने के लिए। मगर पैंट का कपड़ा अच्छा नहीं है तो जाके खरीदेंगे दूसरा, जा रहे आशीष जी को बोलेंगे, बोले कि नहीं ले, बोले कि इसका अच्छा नहीं है पैजामा, क्या हो गया तो फेंक देगा का तुम, बोले कि इसका मैं सिला फुआ, बोली खराब लगेगा, क्या सिलाएगा इसका, इसका बोले रहने दो कुछ भी काम आ जाएगा बाद में, बोले फुआ के ला के इसी कलर का लाना पड़ेगा। हाँ इसी बोली वाला कपड़ा ले जाओ, 40 रुपए मीटर तो मिल जाएगा, बोली 1.5 मीटर में हो जाएगा पैंट, बोली बनाने के लिए पटियाला अच्छा नहीं लगेगा, सीक्रेट। हाँ सीक्रेट पैंट ले तो रखो, और क्या कर सकते, तभी निकलेंगे यहाँ से सीधा मार्केट दोस्तों, अब उल्लू कहीं रहने देगा जाएगा सामान के साथ थोड़ा जाएगा, इसलिए तो चलिए चलते यहाँ से, चलिए जल्दी फिर लेंगे, फिर घर भी तो जाना है। सुनिए तो रेल अभी उधर ही मिल जाएगा तो खरीद के लेते आएंगे, दे देंगे, फिर बार बार हमको जाना ना पड़े साक्षी। इसलिए चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ निकल रहे मार्केट सामान लेने की, शाम हो गया, मम्मी का भी अब छुट्टी हो गएगा तो उधर ही से आएंगे, वाला कपड़ा ना तो कपड़ा भी ला के दे देंगे सीने के। अच्छा देखिए लाइट सजा हुआ, कब्रिस्तान में पूजा है दोस्तों, अपना पूजा कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, सब रात होगा शायद। चलिए निकली सामान ले रहे थे, नंदी लिस्ट लिखा दिए कि क्या क्या लेना है, पास्ता 1 kg, पास्ता में जो भी रहता है सारा सामान लेके जाना है, इसे इसलिए भी लिखा लेते हैं, तो सारा सामान ले लिया, राशन तो देख सकते हैं, एक झोला और एक बोरा है, दो झोला हो गया, अभी और चीज लेना बाकी है, और अभी आटा भी लेना है, तो चलिए आगे सब सामान ना जाके रख देंगे, उसके बाद फिर आगे भी आटा लाने जाएंगे। तो झोला टांगे, हेलमेट वाल लीजिए, घसीटेगा ना अंकल नीचे, इसलिए चलिए हेलमेट पहन लीजिए। सारा सामान लेके आ गए यहाँ से जी, यहाँ रख दिए हैं, और मम्मी आलू भी ला दी, अब जाइए लाने के लिए। क्या आटा? हाँ आटा, आटा लाने जाना ना, अब आशीष जी आटा लाने जाएंगे, और इधर बुचिया सो गई है, मम्मी आ रही यार, गुल्लू छोड़ के गए थे, क्या हुआ गुल्लू? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा तो सर, फिर यार गुल्लू आते साथ ना पूरा छिट्टा छिट्टी कर रहा है वहाँ पे, लेके आई मम्मी आलू ला दी, और उधर बुचिया भी सो गई है, जाइए आटा लाने आप, जाने तो बेटा छूना मत, सुने दार है भाई, कितना लगेगा? लगेगा 350 रुपए, 350 रुपए लगेगा, और ज्यादा पैसा भी नहीं बचा हुआ, 300-400 रुपए होगा, 500 रुपए उसी में लाना है आटा उटा भी, तो चलिए अभी आशीष जी आटा लाने जाते हैं, तब तक हम यहाँ पे वेट करते हैं इनका, फिर आएंगे तो फिर हम लोग घर भी निकलना है, आटा भी लेके आ गए हम दोस्तों 10 किलो सामान ले लिया है, अब निकलते हैं, एक तो बोरा में ना दोनों चीज डाल दे तो बहुत सारा सामान हो जाता, दो तीन गो हो गया ना जी, क्यों गो? दो गो में आ, दो गो टांगे झोला दोस्तों, देखो इधर टांग के रखे, चलिए अब यहाँ से गमछी भी ले लिया, गुल्लू कहीं सो जाएगा उसके लिए, चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते दोस्तों, बैठे रहे सोते रहे हो कहा, तो फाइनली पहुंच गए घर, अभी कितना दिक्कतों के बाद हम लोग पहुंचे गाड़ी में, आया ना उतना सामान हो गया था ये सब सामान, इसलिए गुल्लू नहीं सोया तो ठीक, आने तक गुल्लू सोता ना तो और भी ज्यादा दिक्कत होता, वो तो जगा हुआ था इसलिए, ट्रेन देखेंगे ट्रेन रेल पटरी में आता है, गाड़ी आया नहीं, लाइट चालू कीजिए अंदर मतलब बाहर का भी, और रूम किचन का
मतलब वहीं पे गए हैं, मतलब चालू नहीं कर सकते हैं। अब बाबू को चले आगे सुलाते हैं और आशीष जी सामान उमान लाएंगे। दूध भी ना लेते आए थे उधर से ही, एक बोरा बहुत पूछे, मतलब बहुत पूछे थे। दो महीने तीन महीना का है का जो बोरा झुड़ मुड़ का, हाँ चल जाता है काफी दिन। चलिए तो कल ना गाड़ी लगा हुआ छोड़ दिए थे, आज मत लगा के छोड़ दीजिएगा। मतलब ना दोस्तों ऐसे चालू करके ही छोड़ दिए थे ना कल अंदर करके। दूध पी लिया है ना? दूध पी लिया ना? दूध पी लिया दोस्तों। गुल्लू अब जा रहा है सोने के लिए। अरे वाह मच्छरदानी लगा ले, इसको ही पता कि मच्छरदानी में ही सोना चाहिए। लगा देंगे बेटा, आप सो पहले। सारा सामान निकालेगी नंदिनी, सबको अपना जगह पे रखेगी सजा के, कि सब मिला जुला रहा सब इसमें इसमें सब एक कर देंगे। इसमें आटा है 10 किलो आटा है, ये 10 किलो आटा है। सारा उछलना धीरे धीरे, आजकल सामान है बचा है। नहीं तो कैसे ये दोस्तों जो कपड़ा लिए थे ना, ये उसका बोला कपड़ा ठीक नहीं है इसलिए नहीं बनवाया। पैंट ऊपर का बना देगी बाद में। ये देखिए ये सब सारा तेल उन पूजा का सब छाटो जल्दी जल्दी छाट। सबको मिलाना भी पड़ेगा, ज्यादा सामान इस बार हम लोग लेके आए। आप लोग बोलते हैं कि हम लोग दूसरा का खाते हैं, दूसरा का खाते हैं। देखिए इतना सारा सामान दूसरा का खाते हैं तो क्यों लेके आते, दूसरे का ही खाते ना। हम लोग इतना कमेंट करते हैं कि दूसरा का खाते हैं तो दूसरा का सामान है। बताइए इतना सारा सामान आपको दूसरा का लग रहा है, क्या बताएं। आप लोग ऐसे कमेंटे करते हैं कि हम दूसरा का खाते हैं सामान। तो जी अगर ऐसे ही रहता तो थोड़ा थोड़ा लाते लाए, कि खाना तो हम ही लोगों को है तो दिन। ज्यादातर सामान इसमें गुल्लू का पसंद का है, गुल्लू ज्यादा सब खाता है। उसके लिए खिचड़ी बनाने के लिए अरवा चावल लाए हैं, उसके लिए ठेकुआ बना देंगे, सब बहुत कुछ है उसके लिए। अब चलो मिला मिला इतना बड़ा लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों, इतना बड़ा लिस्ट है। तो ये कितना बड़ा लिस्ट है, पीछे भी है पूरा। इतना सामान लेके आए आज हम लोगों। और बताइए क्या क्या है? मिलाना पड़ेगा सामान, सामान गिनती करो। नंदिनी गिन गिन के अपना मिला रही है, कितना सामान घटा उटा तो नहीं हो रहा है। देखिए गुल्लू के लिए कौन लेके आया, जो पॉपकॉर्न बनाने के लिए स्पेशल उसके लिए, वो ये सब ज्यादा खाता है। कितना सामान था? 47 कट हुआ। गिनती भूल जाती है क्या? फिर भूल गया, गिनती भूल जा रही होती है बार बार। 40-42 तक जो किधर किधर था ध्यान से। चलिए मिला ले रहे सही से हम, सब राशन गिनती हो चुका है पूरा बढ़िया से, एक भी नहीं घटा है दोस्तों। सभी को अब नंदिनी रखेगी अपना सजा के। मम्मी को बोल दिया था आलू, अभी आलू देखे ना कितना बड़ा बड़ा, इसका लग रहा है ना ये बनाने में कितना मजा आता है। चिप्स नहीं, वो जो बनाएंगे तुम देखना, लंबा लंबा आलू रहने देना। चलिए तो देख सकते इतना सारा राशन अब नंदिनी अपना किचन में सजा के रखेगी। बहुत है इस बार, आराम से 2-3 महीना चलेगा क्या? तीन महीना तो नहीं जाएगा, 1.5 महीना पक्का जाएगा। क्यों? जो भी है दोस्तों ये सवाई मीठा उठा हम लोग को बहुत पसंद है खाना, भी मेरे को ज्यादा ज्यादातर गुल्लू के लिए इसमें सामान है, पास्ता आस्ता पॉपकॉर्न जैम। बस ये नहीं लाए जो आप बिस्कुट किसान जैम क्या है बोले थे सुबह, ब्रेड आ जाएगा, टेंशन मत लो। क्यों ना दोस्तों, मम्मी इतना डांट रही बोल रही कि उसका बदन एकदम नहीं लग रहा है, लड़का सूख गया है। अरे क्या कर सकते हैं जो ना। चलो चलो जल्दी जल्दी से, रात हो रहा दिन हो रहा, देख सकते कितना बज गया दोस्तों। ये देखिए इतना बज चुका है, अब जल्दी करो। चावल कौन सा खाते हो? पुराना खाते है देखिए, ये तो है कोटा वाला चावल, कोटे वाला चावल है, दुकान का चावल नहीं खरीदे हम, कोटे का नंदिनी चला रही है। इतना मेरा बहुत दिन जाएगा दोस्तों, ज्यादा आशीष जी खाते नहीं है, हम चावल नहीं खाते, हम तो सिर्फ रोटी। इसलिए 10 किलो आटा है मेरे लिए, नंदिनी के लिए 5 किलो कोटा चावल है, अपना आराम से खाएगी। सारा सामान जितना था नंदिनी अपना सब कंटेनर में, सब अपना अपना जगह में आराम से भर के रख दिए सबको। अब इतना सारा कचरा हो गया दोस्तों, बस इसको अब साफ करेगी नंदिनी, क्योंकि टाइम नहीं रहे, 11 बज गए ना, 11:30 हो गया। देखिए
करते करते कितना टाइम हो गया, कहीं ज्यादा टाइम का ना काम है कि 12 बज जाएगा तब हम लोग सोने जाएंगे। चलिए अब नंदनी हो गया ना साहब, सब सामान हाँ कहीं साफ करना बच गया, बस साफ करेगी फिर खत्म। इधर का सारा काम तो ही गया दोस्तों, हम लोग भी चलते हैं सोने के लिए। बस इसको नींद नहीं है, ये मैं सोई थी जाग गई है। अच्छा मार कितना टाइम हो गया दोस्तों, ये देखिए कितना टाइम हो गया, हम बोले थे एक बज जाएगा बारह, मेरा हमेशा इतनी ही यही टाइम होता है हम लोग का सोने का, क्योंकि बच्चे लोग को सुलाने में ना दिक्कत होती है दोस्तों। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं दोस्तों, चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए हमारे वीडियो को, और हमारे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।